लिया था, कहाँ हमने अपना चैप्टर पढ़ लिया था, क्या कोई मेरे को एक बार ब्रीफ आइडिया बता सकता है? एग्जैक्टली, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरे जो हमारे लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, और उनका लेयर्स हम लोगों ने पढ़ा था। लेयर्स में वी हैव स्टडीड आउटर लेयर इज योर पैराइटल और विस्ट्रल। राइट आउटर इज विस्रल, इनर इज पेराइटल। सर, आउटर इज विस्रल एंड इनर इज पेराइटल। सो वी हैव स्टडीड दीज टू लेयर्स एज वेल एज वी हैव स्टडीड अबाउट एपिग्लोटिस। वी हैव स्टडीड ट्रेकिया गेट डिवाइडेड इट विच रेंज। ट्रेकिया डिवाइडेड करता था आपका इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। फिफ्थ थोरेसिक कैविटी। एग्जैक्टली, एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो डिवाइड कर जाता था एंड देन इट गेट आगे completely differentiated from bronchi to bronchioles, primary, secondary, tertiary, terminal, then respiratory bronchiole, and respiratory bronchiole ke baad we have alveolar duct, and after that we have our alveoli. We have studied about the number of diffusion membrane. We have three diffusion membrane. The first one is simple squamous epithelium of alveoli. Second is your basement membrane, and the third one was your endothelium of ब्लड कैपिलरी। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड टिल हियर, तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना पढ़ लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि एग्जैक्टली उसका फंक्शनिंग होता कैसे। यू हैव ऑल स्टडीड अबाउट दिस डायग्राम इन योर एनसीईआरटीज। देखा है सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा। एग्जैक्टली दिस डायग्राम इज शोइंग आर द complete recap which we have studied in the previous class. जितना हमने previous class में पढ़ा उसका ये proper एक recap हमको दे रहा है. So what actually it is saying, inspired air and inspired air is always O2, expired air is always CO2. We have studied inspired air in atmosphere, partial pressure of oxygen is what? It is how much? कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 159 mmHg एंड इनसाइड द एल्वियोलाई इट इज 104. सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम एटमोस्फेयर इनटू द एल्वियोलाई. सेम वी कैन से द पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इनसाइड द एल्वियोलाई इज 40 एंड इन एटमोस्फेयर इट इज 3.3 है ना. गुड इवनिंग अनुष्का. तो एंड इनसाइड द एल्वियोलाई इट इज 40, सो इट इज 100% श्योर CO2 विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम एल्वियोलाई टू द एटमोस्फेयर. क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरी विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. And pulmonary artery always carry deoxygenated blood. So the lungs ke pass we have pulmonary vein which is carrying oxygenated blood. And oxygenated blood हमारे heart के किस region में आएगा? Left or right? Right. If I say left region में आएगा तो अच्छा, इधर वाला ये वाला पोर्शन लेफ्ट रीजन है ना. देखो सिंपली आपको कैसे याद रखना है, ये मेरा हैंड कौन सा है? दिस इज माय राइट हैंड. तो मेरे जस्ट सामने राइट हैंड के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ट का कौन सा रीजन होगा? लेफ्ट. दिस इज माय लेफ्ट हैंड. तो इधर हार्ट का कौन सा पार्ट होगा? राइट. हमेशा जब भी आप हर्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप इसी रिस्पेक्ट में करेंगे कि इधर मेरा हैंड राइट है तो हर्ट का इधर मेरे को लेफ्ट बनाना, इधर मेरा लेफ्ट हैंड है तो मुझे इधर हर्ट का राइट बनाना है. सिंपल. एंड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे याद रखोगे? राइट इज ऑलवेज राइट ना. राइट का मतलब होता है इट विल ऑलवेज बी राइट, बट इन केस ऑफ हर्ट इट इज डिफरेंट. राइट का मतलब होता है बिल्कुल सही है, बट राइट के पास सही नहीं कैसा ब्लड आता है? गलत ब्लड आता है. गलत इन द सेंस इम्प्योर ब्लड आता है हमेशा. और लेफ्ट के पास कैसा ब्लड आता है? लेफ्ट ऑलवेज रिसीव प्योर ब्लड. एंड इन दिस केस प्योर इज ऑक्सीजनेटेड एंड इम्प्योर इज
deoxygenated. This is mine right hand. So it will receive which blood? Right hand. Right is always not right. Deoxygenated. Left hand. It will receive which blood? Oxygenated. Clear? यहाँ तक याद रहेगा हमेशा सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. चलो हमको ये चीज हमेशा याद रहने वाली है, ठीक है. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें किधर लेके आना है? हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आना है. एंड व्हाट हार्ट विल डू? देन हार्ट विल सप्लाई ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड ऑल बॉडी ऑर्गन्स. यही तो काम है एक्चुअली ब्लड हमारे हार्ट का. क्या काम है हार्ट का? ब्लड का पंपिंग करना. ब्लड पंप करना ही तो काम है ना उसका. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर करेगा, बट द राइट रीजन ऑफ द हार्ट इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? सारा टिश्यूज से आ रहा है. बिकॉज टिश्यूज के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है. हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन चल रहा है. एंड सेलुलर रेस्पायरेशन में CO2 का अमाउंट घटता जा रहा है. एंड देन दिस CO2 विल मिक्स विद ब्लड एंड इट विल कैरी टू द हार्ट. देन हार्ट विल पंप इट टुवर्ड द लंग्स. और लंग्स क्या करेगा? वहां से उसको प्योरीफाई करेगा. CO2 को एटमोसफेयर में भेजेगा. एटमोसफेयर में ऑक्सीजन को लेके आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे मैं चीजें बता रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है. पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है हमारा, ठीक है. एंड ये हमारा पार्ट कौन सा? दिस इज सिस्टमिक आर्टरी, दिस इज योर सिस्टमिक वेन. सिस्टमिक टर्म हम उसमें यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज कैरीड टू अप टू द हार्ट. जब कोई चीज हार्ट तक जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका सिस्टमिक. और जब कोई चीज हमारे लंग्स तक जा रही होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी. आपको डायग्राम याद रखना है. बाकी प्रेशर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए थे कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को कितना है? 95. एंड टिश्यूज के पास कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 40. देन ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज. इन टिश्यूज वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाउ मच? 45. इन ब्लड इट इज 40. ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है आपका. तो आपका क्या होगा? CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट, टिश्यूज टू द आपका पल्मोनरी आर्टरी. अगर आपको अभी पल्मोनरी टर्म्स, वेन, सिस्टमिक ये सब नहीं समझ में आ रहा है, सो जस्ट होल्ड ऑन. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट विल बी योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आई गेस बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन. उसमें हम पूरा पार्ट फिनिश करेंगे अच्छे से. यहां तक आई गेस सबको ये डायग्राम क्लियर है, बिकॉज इस डायग्राम पे लेबलिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. क्लियर बच्चों? चलो फिर अब हम आ जाते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे. नाउ वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. सो इन द ब्रीथिंग वी हैव टू प्रोसेस ना. द फर्स्ट इज योर इंस्पिरेशन. And second is your expiration. So in both the processes, there are some points which are quick different to each other. यहाँ पे हमारे पास दो points हैं जो एक दूसरे से quietly different differ करते हैं. वो कैसे differ करते हैं वो आपको समझ में आएगा. एक बार मैं आपको lungs का structure बना के दिखा रही हूँ. ये हमारे पास lungs है, ठीक है. तो हमको ये देखना है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है इस डिफ्यूजन प्रोसेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स आर कवर्ड विद द रिब्स. ऐसे रिब्स से कनेक्टेड है या नहीं है? हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स वी हैव? वी हैव 12 pair of ribs. 12 pair of ribs, ठीक है. एंड ये रिब्स के लिए अगर हम देखेंगे ना, दीज रिब्स आर
connected dorsally. Dorsally, what do you understand by dorsal term? बैक साइड से. तो हमारी जो रिब्स है हमारे डॉर्सली हमारी पीछे की साइड से कनेक्टेड किसके थ्रू है. इन द बैक साइड वी हैव विच बोन. वर्टिब्रल कॉलम. तो हमारे पास जो रिब्स है पीछे डॉर्सली कनेक्टेड है किसके थ्रू. वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू. एंड आगे की साइड से वेंट्रली कनेक्टेड है किसके थ्रू. आगे की साइड विंट्रली स्टर्नम के थ्रू कनेक्टेड है. वेरी गुड. ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट केस है जो हमको यहाँ पे पढ़ना है. सो जस्ट अभी वो बिल्कुल बाबा रामदेव के जैसे होता है ना. जैसे बाबा रामदेव को देखा है किसी ने योगा करते हुए कैसे करता है. तो जब आप एकदम हाई इंस्पायरेशन कर रहे हो एकदम हाई ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन ले तो आपको फील होता है कि आपका जो चेस्ट कैविटी है वो एकदम उसका साइज इंक्रीज होता है. जब आप ऐसे इनहेल करते हो एक बार इनहेल करके देखो और मेरे को जस्ट खुद से आप बताओ कि आपको आपने चेस्ट कैविटी में क्या डिफरेंस फील किया. डिफरेंस जब आपने इनहेल किया व्हाट एक्चुअली यू फील. आपका जो चेस्ट कैविटी थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर रहा है. यस मैम. एंड आउटवर्ड भी फील हुआ कुछ फील हुआ. Yes, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी एनहेंस हो गया. हुआ नहीं हुआ. चेस्ट कैविटी एनहेंस हुआ बिकॉज हमको yes, क्या करना है. हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस बहुत सारी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं. हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन बोलेंगे ना इसको. ऐसे हम कर रहे हैं फोर्सफुली हम बहुत सारी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हो सकती है हम अपनी बॉडी में कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं. तो उसके लिए वी वॉन्ट मोर स्पेस. ज्यादा स्पेस भी लगेगा उसके लिए तो हमको चेस्ट कैविटी एनहेंस करना पड़ेगा इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपने जब अभी क्या किया आपने जब एकदम फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पे व्हाट एक्चुअली यू फील कि आपका वी हैव अ डायफ्राम बिलो दिस. इसके नीचे एक डायफ्राम है. यस. व्हाट इज डायफ्राम. डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन है या नहीं है. डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन. तो आपकी डायफ्राम है. अब फिर से एक बार इनहेल करके देखो और जस्ट फील कि कुछ जा रहा है. तो आपका जो डायफ्राम है ना आपकी जो बिल्कुल जो स्टमक के पास है कुछ चीज नीचे की साइड फील होगी. आपके स्टमक एरिया पे एक हल्का सा प्रेशर फील होगा आपको इनहेल करते टाइम. वो ना कुछ चीज भी. तो ये डायफ्राम अभी इस डायफ्राम की शेप कैसी है. ऐसे डोम शेप है. तो ये क्या होता है अपने आप को ऐसे नीचे की साइड पुश करता है और नीचे की साइड पुश करके कैसे हो जाता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. तो कैसे हुआ डोम शेप से इट बिकम फ्लैट. तो जैसे ये नीचे की साइड इसने क्या किया नीचे की साइड और आपका जो स्टर्नम है उस स्टर्नम में आगे की साइड प्रेशर लगाया जिसकी वजह से आपका चेस्ट कैविटी ऊपर फील हुआ. आपको हुआ नहीं हुआ. तो ऊपर की साइड भी कुछ इंटीरियर की साइड भी आपका कुछ फील हुआ. ऊपर इंटीरियर और नीचे पोस्टीरियर. तो इफ आई आस्क यू आपने फील किया ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन प्रोसेस जो आपका थोरेसिक वॉल्यूम है आपका थोरेसिक वॉल्यूम आपका चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज हुआ तो किस एक्सिस में इंक्रीज हुआ. इन विच एक्सिस थोरेसिक कैविटी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन. इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस था एक ऊपर yes, और नीचे. तो द एक्सिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. इस एक्सिस में क्या हुआ आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज. क्लियर है यहाँ तक चीजें. तो ये आपका फर्स्ट एक्सिस है. नाउ वी हैव वन मोर एक्सिस. उस एक्सिस को समझने के लिए भी आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है. आपने फील किया कि आपका जो ये स्टर्नम था ये स्टर्नम आगे की साइड आया ऐसे आगे की साइड आया. लेट सपोज
मेरा ये अभी पीछे वाला हैंड इज योर वर्टिब्रल कॉलम, आगे वाला आपका स्टर्नम, ठीक है, और नीचे आपका क्या है, डायफ्राम ने अपने आपको नीचे की साइड पुश किया, ठीक है, और आपका कुछ ऊपर की साइड गया और आपका जो स्टर्नम वो आउटवर्ड आया, ऐसे आ रहा आपकी साइड, तो स्टर्नम भी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो स्टर्नम जब आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है, उस एक्सेस को क्या बोलता है, ऐसे बाहर वेंट्रल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? Yes, ma'am. तो आपका एक और एक्सेस में के थ्रू आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ, किसके थ्रू, आपका स्टर्नम बाहर की साइड आया। और एक और चीज होती है, ये जो आपकी रिब्स होती है ना, इन रिब्स के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन बिटवीन द रिब्स। लेट्स सपोज मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, ये मेरे एक ऐसे रिब है, ठीक है, तो इन रिब्स के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल, द वन विच आर प्रेजेंट इन साइड द रिब्स, रिब्स के अंदर की साइड प्रेजेंट है, एंड वी हैव वन अनादर मसल जो इसके आउटवर्ड साइड में प्रेजेंट है, ऐसे बाहर। तो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स, द फर्स्ट इज योर इंटरनल, जो अंदर की साइड है, इंटर कॉस्टल मसल्स, एंड अनादर वन वी हैव डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, one we have internal intercostal muscles and another we have external intercostal muscles. So simple, what you need to remember, in the case of inspiration, I ke case mein hum kaun si muscles use karenge, I ke sath hum E muscles use karenge, for the case of E we will use I muscles, theek hai, to yahan pe kya hoga, what will happen here during the case of inspiration, aapka jo external intercostal muscles hai wo bhi apne aap ko contract karenge, to unke contraction aapka kis axis mein hoga, sternum aage ki side move hua, anterior, sorry not anterior, it's ventral, aur intercostal jo external intercostal muscles, external intercostal aapko kidhar side move karenge, apne aap ko piche ki side move karega, तो यहाँ पे आपका जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एक्सेस बन जाएगा 200 वेंट्रल एक्सेस, 200 वेंट्रल एक्सेस में आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बट किसकी वजह से, इंटर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। इफ आई आस्क यू थोरेसिक वॉल्यूम गेट इंक्रीज ड्यू टू द डायफ्राम इन विच एक्सेस, anterior posterior axis, due to the contraction of diaphragm, due to the contraction of diaphragm thoracic volume increase in anterior posterior axis, but due to the contraction of external intercostal muscles thoracic volume increase in which axis, dorsoventral. So dono axis clear hai, dono axis are responsible for increasing the thoracic volume in the case of inspiration. Are we all clear with this? तो हमने ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन प्रोसेस वी विल डू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बट इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन वी विल डू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ऐसा ना, अभी इनहेल करो पोस्टनेरल, फिर रिलैक्स करो, तो चेस्ट कैविटी नीचे की साइड फील हो रही है और चेस्ट कैविटी इनवर्ड फील हो रही है, नहीं हो रही है, हुआ फील या नहीं? Yes, ma'am. चलो अब इसी चीज को वी विल ट्राई टू राइट इट इन अ शॉर्टेस्ट वे, द फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इट हियर इज इंस्पायरेशन, मेरा लिखा हुआ आपको, आर यू एबल टू सी दिस? ड्यूरिंग द केस ऑफ इंस्पिरेशन वॉट विल हैपन, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू राइट डाउन हियर इज दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस, देर इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ diaphragm in which axis,
anterior posterior axis. Posterior axis. And second is contraction of external intercostal muscles. In which axis? Dorsoventral axis. Dorsoventral axis. And what will write in the case of expiration? Expiration ke case mein, in dono muscles ka kya ho jayega? Relaxation. And due to the process of relaxation, aapka jo thoracic volume hai, decrease ho jayega. Thoracic volume decrease ho jayega because what we are need to do here ki aapka jo thoracic pressure hai, intrapulmonary pressure jo hota hai yahan pe wo high hota hai, but in the case of inspiration intrapulmonary pressure negative hota hai, low hota hai, or we can say as compared to the atmosphere yahan pe low hota hai, or we can write it in negative hota hai, or here it is positive as compared to the atmospheric pressure. Done. Now we are all clear with this. Let's come on to the next topic, which we have respiratory volume and capacities. Respiratory volumes are the lungs ki ke andar kitna volume of oxygen or CO2 aap inhale exhale kar sakte hain, usko hum bolte hain aapka respiratory volume. And capacities are the addition of more than one volumes. एक से ज्यादा वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट कैपेसिटी, हमें अपनी कैपेसिटी पता चल जाती है इन दैट केस. तो ट्राई टू रीड आउट द टाइडल वॉल्यूम. द फर्स्ट हू वी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वी हैव टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इज समथिंग व्हाट व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ. वी आर डूइंग नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सो इन अ सिंगल इंस्पिरेशन वी आर इनहेलिंग 500 ml ऑफ oxygen, and in a normal expiration we are exhaling a normal 500 ml of CO2. And if we calculate it on the basis of minute, in 1 minute we inhale or exhale 6000, so 8000 of ml air. Clear? Tidal volume is very easy. Inspiratory reserve volume is that which can do forcefully what we are doing just a bit. Inspiration is अभी हम inhale कर रहे हैं ना, forcefully inhale कर रहे हैं. So inhale में हम एक forceful inspiration में, during a forceful inspiration the total amount of oxygen we can carry into our lungs, which is your inspiratory reserve volume. And expiratory reserve volume, forcefully how much CO2 we can exhale out forcefully. ठीक है. तो इंस्पिरेशन इज योर 2500 टू 3000 एंड एक्सपायरेटरी इज योर 1000 टू 1100. आर यू क्लियर विद दिस थ्री वॉल्यूम्स? यस मैम. नेक्स्ट वी हैव रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम इज समथिंग व्हाट जो हमारे लंग्स के अंदर हर टाइम रहती है. ये दिस इज द वॉल्यूम जो हमारे डेथ के बाद ही बाहर निकलती है. रेसिडुअल always live as a residue. This is the volume जिसकी वजह से हमारे lungs कभी भी collapse नहीं करते हैं, कभी collapse नहीं कर पाएंगे. So residual volume is that volume which is range from 1100 to 1200 जो हमारे lungs के अंदर हमेशा रहेगी.
आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी ये वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर ही रहने वाली है. एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम जो हमारे लंग्स को हमेशा कैसा बना के रखती है, एक नेगेटिव प्रेशर उसके अंदर हमेशा बना रहता है. क्लियर? सो वी हैव फोर वॉल्यूम्स. द फर्स्ट वन वी हैव टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ इज योर रेसिडुअल. टाइडल जो नॉर्मली हम कर रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, रेसिडुअल वॉल्यूम विच विल ऑलवेज रेसिड्यू इन आवर लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो कभी नहीं निकलेगा, सिर्फ डेथ के टाइम बाद हमारे बॉडी से बाहर निकल. नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटी की मेरी एग्जैक्टली बॉडी की, मेरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि मैं एक टाइम में कितना वॉल्यूम इनहेल कर सकती हूँ. तो नॉर्मली आई कैन डू टीवी ऑल्सो, टीवी में कर सकती हूँ 500, और फोर्सफुली आई कैन डू IRV. इफ आई एड बोथ वॉल्यूम देन आई विल गेट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. दे आर आस्किंग मेरा इंस्पायरेशन का कितना कैपेसिटी है. तो नॉर्मली आई कैन टीवी कर सकती हूँ मैं टाइडल वॉल्यूम, एंड फोर्सफुली मैं सिर्फ 2500 से 3000 ले सकती हूँ. तो वही मेरा पूरा कैपेसिटी बन गया, नहीं बन गया? यस. एंड व्हाट अबाउट एक्सपायरेटरी? नॉर्मली आई कैन एक्सेल 500 ml और फोर्सफुली मैं 1100 से 1200 कर सकती हूँ. तो वही मेरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन गया. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आपने 500 ml बाहर निकाला, उसके बाद आपकी बॉडी में क्या बचेगा? जो आप फोर्सफुली निकाल सकते हो वो बचेगा और आपका रेसिडुअल बच जाएगा. एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग में कितना बचेगा CO2, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा? तो दे आर सेइंग जो फोर्सफुली आप निकाल सकते हो 2500 से 3000 वो ml बचेगा और एक आपका नॉर्मल रेसिडुअल वाला बचेगा. तो वही तो आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कितना मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर सकते हो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद. फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना कर सकते हो? एक फोर्सफुल आप एक्सपायरेशन करने के बाद कितना कर सकते हो? आपका एक फोर्सफुल वाला है, एक टीवी आ जाएगा और एक आपका IRV आ जाएगा, क्योंकि इनहेल कर सकते हो. तो जितना फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हो उतना आप फिर से ले सकते हो, और एक आप नॉर्मल वाला कर सकते हो और एक आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हो. ठीक है? Yes, टोटल लंग कैपेसिटी में जितने वॉल्यूम्स है, वी हैव टोटल फोर वॉल्यूम्स, फोर के फोर को हमें एड ऑन कर देना है. अब इसको मैं आपको आई ट्राई टू राइट आउट इन अ शॉर्टेस्ट वे. वी हैव टीवी, IRV, ERV एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. मेरे पास फोर वॉल्यूम्स है. इन फोर के फोर का एडिशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, नहीं बोलते? Yes, ma'am. प्लस IRV को हम क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं ना. टीवी और ERV को हम क्या बोलते हैं? EC हम उसको बोलते हैं. एंड रेजिडुअल वॉल्यूम और आपका ERV, इन दोनों को क्या बोलते हैं? FRC. चारों कैपेसिटीज आ गई, नहीं आ गई, एक रह गई कैपेसिटी, कौन सी? हमारी VC. आ जाएगा ऊपर वाले तीनों आ जाएंगे, वो आपका वाइटल कैपेसिटी है. द इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू कैन मेजर दिस वॉल्यूम इन, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पायरोमीटर. वेरी गुड. एंड स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर वन वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, उसको वो मेजर नहीं कर सकता. व्हिच इज दैट? पल्मोनरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम. एंड इफ आई आस्क यू इन द केस ऑफ कैपेसिटी, दैट कैपेसिटी व्हिच हैव आरवी इन द एडिशन, उनको भी हम स्पायरोमीटर से नहीं कर सकते. तो FRC एंड TLC कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर.
And if they ask in the case of volume, the residual volume is that volume which cannot be measured by spirometer. जो हम इस spirometer से कभी measure नहीं कर सकते. Are we all done? Yes, ma'am. अच्छा, single minute हम कितनी बार inhale exhale करते हैं? 12 to 16 times. If they ask you for 5 minute, 10 minute, तो आप उसको calculate करके निकाल सकते हो? Yes, ma'am. सिंपल कैलकुलेशन है हमारा. वेरी गुड. चलो इतना हम लोगों ने कर लिया है ओवरऑल. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हैमबर्गर प्रोसेस. मैंने आप लोगों को बता दिया था इन द प्रीवियस क्लास. बताया था हैमबर्गर फेनोमेनन, हैमबर्गर क्लोराइड शिफ्ट. यस मैम. बताया था ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. मैंने आपको बता दिया था उसमें राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट. राइट शिफ्ट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. यस मैम. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी कि मैम नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताओ. आपको कंप्लीट परमिशन है, यू कैन आस्क. क्लियर है ना हमको वो पॉइंट्स? यस मैम. चलो आई चेक आउट कि कितना आपको क्लियर है. इफ आई आस्क यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वी हैव टू गैसेस O2 CO2. ठीक है, तो O2 गेट ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन एज वेल एज प्लाज्मा. हाउ मच परसेंट गेट ट्रांसपोर्टेड? How much? 97%. And with the help of plasma? 3%. What about CO2? Hemoglobin, plasma, and another one is? Bicarbonate ion. Tell me the percentage. 23%. Plasma 7%. And bicarbonate ion 70%. 72-75 भी हम इसको लिख लेते हैं कभी कभी. क्लियर है सबको? ये जो बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसफर होता है इसी में वी हैव स्टडीड अ रिएक्शन H2O प्लस CO2. व्हाट दे विल फॉर्म? H2CO3 विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक anhydrase. It means we are all clear with this, no worries. Next point we have regulation of respiration. Actually, which organ is involved in the regulation of this respiration? We will study directly through NCERT. ठीक है, चल. Try to read out. Human beings have a significant ability to maintain and moderate their respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues. ठीक है, they are saying कि human bodies के पास एक essential capability है कि वो अपनी body need के according अपने respiratory system को moderate कर सकते हैं. ठीक है, if let's suppose अगर मेरे सामने अभी lion आके खड़ा हो जाए तो what will happen with my respiratory system? What will happen? Breathing rate बढ़ जाएगा. Yes, ma'am. होगा या नहीं होगा? तो मेरी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद से बढ़ जाएगा. क्या मैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑर्डर दूंगी कि मेरे सामने लाइन आगे खड़ा हो गया और मेरे को अब ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज मुझे भागना है यहाँ से. आई नीड मोर ऑक्सीजन, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मेरे को रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा. एंड व्हाई आई एम नीडिंग ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्यों चाहिए ज्यादा? बिकॉज ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को चाहिएगा. बॉडी टिश्यूज को फटाफट से क्या करना है? एनर्जी बनाना है उसको, जल्दी जल्दी से फूड का ब्रेक डाउन करना है, एनर्जी मिलना है. बिकॉज मैं रन कर रही हूँ तो मेरा एनर्जी मुझे ज्यादा चाहिएगा. तो बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस मैम. देयर इज समथिंग जो कि इस चीज को बैक एंड पे हैंडल कर रहा है. लाइक आप लोगों को एक चीज पता है कि मैं क्लास लेती हूँ तो आप लोगों के पास लिंक एक और सर शेयर करते हैं. आप लोगों के टेस्ट होते हैं तो टेस्ट लिंक कोई और जनरेट करता है, टेस्ट पेपर्स. तो मेरा काम है आपको पढ़ाना.
ठीक है, लेकिन बैकेंड पे देर आर सो मेनी टीम्स जो आप लोगों के लिए काम कर रही है जिनके बारे में आपको नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली एवरी संडे आप लोगों का टेस्ट सिलेबस सब कुछ आपके पास आ जाता है. तो सेम चीज हैपनिंग इन आवर बॉडी, ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है जिसके लिए सिर्फ हमारी नीड आनी चाहिए. आप लोगों की नीड है आपको संडे टेस्ट कराना है, तो आपको टेस्ट कराने के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, आपका टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा, आपके पास टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारी चीजें बैकएंड पे खुद हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी हैंडल? यस मैम. तो सेम कंडीशन यहीं पे हो रहा है. तो आपके रेस्पिरेटर सिस्टम को कौन रेगुलेट कर रहा है? दिस इज डन बाय योर न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम, ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेंटर व्हिच इज योर मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन. मेड्यूला इज द पार्ट ऑफ विच ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन? फोर ब्रेन. फोर ब्रेन? नो बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन. ठीक है, विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन. ठीक है, एंड वी हैव अनादर सेंटर विच इज नोन एज पॉन्स न्यूमेटिक सेंटर. पॉन्स न्यूमेटिक न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो वी हैव टू सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड अनादर इज पॉन्स न्यूमोटेक्सिक सेंटर. Neural signals from these centers are responsible for the controlling of neural signals. यही यहाँ से neural signals आपके start होते हैं जो आपकी inspiration की capacity को reduce भी कर सकते हैं as well as आपके respiratory rate को enhance भी कर सकते हैं या फिर उसको decrease भी करा सकते हैं. ठीक है, तो first we have neural regulation. In the neural regulation we have two regions. Medullary region में we have respiratory rhythm center and pons region में we have neurotaxic center. Pons region is the region of which brain? Hindbrain. Very good. ठीक है, and another we have chemical regulation also. In chemical regulation, our body is sensitive to. हमारी body किस चीज के लिए sensitive है? CO2 और hydrogen ions के लिए. Like हमारा inspiration नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा. एक्सपायरेशन नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन इफ हमारी बॉडी के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो चुके हैं, तो देर आर सम सेंसिटिव एरियाज इन आर बॉडी जिनको एक सिग्नल चला जाएगा कि बॉडी के अंदर अभी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो आपका कौन सा प्रोसेस को एनहेंस करने की नीड है यहाँ पे? कौन सा प्रोसेस एनहेंस करना है इफ हमारी बॉडी के अंदर CO2 बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन? एक्सपायरेशन हमको एनहेंस करना होगा ना? Yes, we need to enhance inspiration also because CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होगी. बोथ द प्रोसेसेस, दोनों प्रोसेस के अंदर एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करना होगा हमको. ठीक है, चलो. तो कीमो सेंसिटिव एरियाज है जो किसके लिए सेंसिटिव है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है. ये आपके CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है. इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस ये क्या कर सकते हैं? दे कैन एक्टिवेट अ सेंटर. ये हमारे एक सेंटर को एक्टिवेट करेंगे जो आपका सिग्नल देगा आपकी बॉडी के रिदम सेंटर को, और वहां पे आपके जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उनके अंदर एक नेसेसरी एडजस्टमेंट कर देगा अपने अकॉर्डिंग. कि बॉडी की नीड अगर हाई इंस्पायरेशन की है तो इंस्पायरेशन रेट बढ़ा देगा, बॉडी की नीड हाई एक्सपायरेशन की है तो एक्सपायरेशन रेट बढ़ा देगा. रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके? दैट विल रिसेप्ट द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 या आपके aortic arc के ऊपर प्रेजेंट होता है या फिर आपके carotid artery के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो फाइनली रिकॉग्नाइज करते हैं किस चीज को, कि आपकी बॉडी में CO2 और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, एंड अकॉर्डिंगली ये सिग्नल ट्रांसफर करते चले जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर. क्लियर? बट कभी भी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, CO2 का इन्वॉल्वमेंट है अगर आपकी बॉडी में, बिकॉज CO2 एक एसिडिक गैस है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती है. दैट्स व्हाई कभी भी ऑक्सीजन की वजह से आपका न्यूरल सिस्टम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेगा. एक्टिवेशन सिर्फ किसकी वजह से होगा? CO2 और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही होगा. ठीक है? Yes, ma'am. चलो, नाउ वी आर एट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर,
we have three disorders. The first disorder, which is quite common in old age, is asthma. Asthma is the difficulty in breathing. आपका breathing में difficulty होने लग जाता है, आपका एक wheezing sound शुरू हो जाती है आपका आना जब आप breathe in out करते हैं. वो किसकी वजह से होती है? Because आपके bronchi and bronchioles के अंदर inflammation फैल जाती है. So due to the inflammation in your respiratory system, asthma आपका एक disorder है जो कि हो जाता है. Next we have emphysema, एक chronic disorder है. मतलब एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो एल्वियोलाई वॉल्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स? फंक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. यस मैम, गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है ना. इफ एल्वियोलर वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगे, क्या आपकी बॉडी को प्रॉपर गैसेस मिल पाएगा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए एम्फाइसीमा क्या है? एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा. और ये सबसे ज्यादा इसका रीजन क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता है. नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल मतलब आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको ये डिसऑर्डर हो जाता है. बहुत सारे लोग ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं जहां पे स्टोन्स का ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग, तो स्टोन के ग्राइंडिंग में बहुत माइन्यूट से पार्टिकल होते हैं दैट कैन ट्रैप इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ट्रैप इन हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी आपको, जैसे कि आपका फाइब्रोसिस हो जाएगा, आपको सिरोसिस हो जाएगा. ये सब किसकी वजह से होती है? आपकी इंफ्लामेशन आ जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. दे कैन कॉज सीरियस लंग डैमेज आपका ये कर सकते हैं. सो इट इज सजेस्टेड कि जितने भी ऐसे वर्कर्स होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो प्रोटेक्टिव मास्क यूज करें. So we have three disorder, asthma, emphysema, occupational respiratory disorder. आपको ये तीनों याद रखने हैं. बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या कोई डिफिकल्टी है किसी भी चीज में आपको यहाँ तक? No ma'am. We are done with our chapter. हमारा chapter finish. Yes Harshada. What is actually pons? What is actually pons? Beta, pons is a region in your hindbrain. Hindbrain के अंदर एक छोटा सा part होता है आपका. For what it is responsible, ma'am? क्या क्या? For what it is responsible? बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द सिग्नल्स. जितने भी आपके रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के सिग्नल्स होते हैं वो आपके पोन्स के पास आएंगे, या फिर हाइंड ब्रेन का ही अनदर वन पार्ट है हमारे पास मेड्यूला ओब्लोंगेटा, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट मेड्यूला, उसके पास सिग्नल्स आएंगे. ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटेन करके रखेगा. आपकी बॉडी के अंदर व्हेन वी नीड टू एनहेंस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, व्हेन वी नीड टू एनहेंस द रेट ऑफ एक्सपायरेशन. ओके मैम. यस मैम. और किसी का कोई डाउट बेटा? बताओ बताओ. मिश्बा, मंतशा, देवेशा, हर्षदा, हर्षदा ने तो पूछ लिया, लावण्या, ओम, वेनेशा, रेहान, नहीं है किसी को कोई डाउट? सो कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस? आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस मैम. केस आपको बताना है, ठीक है? तो द फर्स्ट वन केस, इफ आई एम डूइंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, देन दिस कंडीशन इज नोन एज फोर्सफुल एक्सपायरेशन. हाउ मच वॉल्यूम? ईआरवी. वॉल्यूम इज नोन एज ईआरवी, है ना? एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम बताना है. 1000 to 1200. कितना है? 1000 ml to 1100. वेरी गुड. एंड इफ आई एम डूइंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन? आई आर. एंड इफ आई आस्क योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? एक्सपायरेटरी प्लस ईआरवी. एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी?
टीवी प्लस आईआर। वेरी गुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम? इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द लंग्स। इट प्रिवेंट्स द कोलेजन। ब्लड आपका जो सॉरी हार्ट होता है उनके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ ट्रेकिया? ट्रेकिया इज कवर्ड विद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ना, तो उसका फंक्शन क्या है? चीज में वो हेल्प करता है। आपका जो ट्रेकिया है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिस कवर्ड विद इन कम्प्लीट रिंग सो दैट वो कोलैप्स ना कर जाए किसी भी जगह से। क्लियर? बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स प्लूरल मेम्ब्रेन्स वी हैव अ फ्लूइड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया ना? आई वॉन्ट कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लें एंड आई शेयर अ डीपीपी विद यू। इस चैप्टर का ही मैं एक प्रॉपर डीपीपी आपके साथ शेयर करूंगी। उस डीपीपी को आपको नेक्स्ट क्लास से पहले फिनिश कर लेना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद योर नेक्स्ट चैप्टर। आई गेस वी विल स्टार्ट विद एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश दैट चैप्टर इन टू लेक्चर्स ओनली। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है सो आई नीड मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम योर साइड्स कि आप लोग अच्छे से रीडिंग करके अच्छे से पढ़ के आए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई एम शेयरिंग अ डीपीपी।